हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। सो प्यारे बच्चे, अज आप बेटा सोशल साइंस दे NTSC 2020 दे रिगार्डिंगली शीट नंबर 2 करन जा रहे हैं। सो आओ आप स्टार्ट करते हैं शीट नंबर 2 सोशल साइंस। सो बेटा, साढ़े को पहला क्वेश्चन है, संसार का वह किहड़ा देश है जिहड़ा खेत्रफल अते आबादी के पक्षों पंजवें स्थान पर है? बेटा जी, आबादी एंड वर्ल्ड के आप एरिया देखिए वो पंजवें नंबर पर है। हाँ जी, आप सारे को ऑप्शन ने भारत, कैनेडा, ब्राज़ील अते चीन। सो इसका राइट आंसर है बेटा ब्राज़ील। बेटा ब्राज़ील वो अजिहा दुनिया का अजिहा देश है जिहड़ा खेत्रफल अते आबादी पक्षों दुनिया के विचों पंजवें स्थान पर आता है। आ देखो, तुम वर्ल्ड मैप देखो या ग्लोब के उत्ते देखो, ये थोड़े को ना साउथ अमेरिका दे विच नीचले पासे देखो, ये रेड कलर दे विच ऑरेंज कलर दे विच थोनू ब्राज़ील दिखाया गया। सो इसका खेत्रफल अते इसका जिहड़ी जनसंख्या है वह वर्ल्ड दे विच पंजवें नंबर पर है। सो नैक्सट क्वेश्चन साढ़े को आ गया भारत का। भारत का खेत्रफल धरती के स्थल भाव धरती धरती उत्ते कुल किन्ना स्थल है, उसके किन्ने प्रतिशत है भारत के कोल? सो साढ़े को ऑप्शन ने 2.2%, 3.2%, 4.2% एंड 1.2%। सो इसका बेटा राइट आंसर है 2.2%, 2.2% इसका राइट आंसर है। भारत को 2.2% हिस्सा है धरती का थल प्रतिशत का। सो थर्ड क्वेश्चन है, भारत का पूर्व तो पछम तक का विस्थार की लंबाई किनी है? भाव जी, असी भारत के पूर्व तो लैके पछम तक जाना हो तो किन्ना सानू डिस्टेंट ट्रैवल करना पवेगा, यह दसना है। भाव गुजरात तो लैके जे असी अरुणाचल प्रदेश तक जाना हो सानू किन्ना डिस्टेंस क्लीयर करना पवेगा? ऑप्शन ने 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 3025 किलोमीटर, 3131 किलोमीटर। सो बेटा जी, इहदा राइट आंसर है 2933 किलोमीटर। आ देखो, जे आप मैप दे विच भी देखिए तो आ देखो, तुसी मैप दे विच देख सकते हो, जे असी इस पॉइंट तो लैके आ लाइन के थ्रू जा रहे हैं पूरे अरुणाचल प्रदेश तक पहुँच गए, ये सारा डिस्टेंस आ देखो साढ़े को लिखा हुआ 2933 किलोमीटर। सो भारत के पूर्व तो लैके पछम तक के विस्तार किन्ना है? 2933 किलोमीटर। अगला बेटा साढ़े को क्वेश्चन आ गया, भारत का मानक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की है? साढ़े को चार ऑप्शन ने 82 डिग्री पूर्व, 82 डिग्री वैसट, 82 डिग्री नॉर्थ एंड 82 डिग्री साउथ। बेटा इसका राइट आंसर है 82 डिग्री ईस्ट। साढ़े ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नेड़े नैनी नामक स्थान तो साढ़ा यह टाइम जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वह मेयर किया जाता है। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, 82 डिग्री पूर्व। नैक्सट क्वेश्चन साढ़े को 5 नंबर आ गया बेटा, भारत की जमीनी सरहद किन्ने गवांढी देशों नाल लगदी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को ध्यान नाल देखना है। जमीनी भाव लैंड बॉर्डर किन्ने देशों नूं असीं टच करते हैं? साढ़े को ऑप्शन ने 8, 6, 10 या 7। सो इहदे विचों राइट आंसर की है बेटा जी? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब थोड़ा 7। देखो कि देखो थोड़े को मैप आ गया, अफगानिस्तान इधरों शुरू आप करिए जी, एक साइड तो पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, उपले पासे चीन आ गया, इधर नेपाल आ गया, आप भूटान आ गया, बंगलादेश आ गया ते म्यांमार आ गया। बेटा ये 7 जिहड़े साडे ने इन्हां नाल साडा बॉर्डर लैंड बॉर्डर टच करदा है। श्रीलंका जिहड़ा इहदे नाल साडा पानी पानी दे राही साडी उह है, अदरवाइज इहदे नाल लैंड बॉर्डर टच नहीं करदा। अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा देखो उपरले पासे, ये कुछ हिस्सा भारत नाल टच करदा है। सो साडे कोले 7 अजिहे गवांढी देश ने जिन्हां नाल साडी जमीनी सरहद सांझी हुंदी है। सो बेटा नैक्सट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आ गया, 0 डिग्री दिशांतर रेखा संसार के किस शहर विचों गुजरती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है 0 डिग्री, बेटा जितों वर्ल्ड का टाइम मेयर किया जाता, जितों वर्ल्ड का टाइम शुरू मनिया जाता है वो हेठ लिखिया विचों किहड़े शहर विच दी गुजरती है? पहली ऑप्शन है साढ़े को इलाहाबाद, फिर कराची, फिर साढ़े को ग्रीनविच, तो फिर आ गया शिकागो। सो इसका बेटा राइट आंसर है ग्रीनविच, क्योंकि यह इंग्लैंड के एक ग्रीनविच नामक विज्ञानी ने इस लाइन नू ड्रॉ करवाया सी जां रूपांतरित करवाया सी। सो इस करके इस नू असी ग्रीनविच रेखा इहदा नाम दिता गया। आ देखो ग्लोब दे उत्ते तुसी देख सकते हो है ना, इनू प्राइम मैरीडियन कहिंदे ने। आ देखो साढ़े कोल आ गई साडी 0 डिग्री, आ 0 डिग्री जा रही है, इस उत्ते क्लीयर हो रही है नॉर्थ पोल तो साउथ पोल नूं मिला रही है। तो इस पिक्चर दे विच असीं देख सकते हैं इस दे उत्ते एक जिहड़ा रैड डॉट है एक ग्रीन विच है, इंग्लैंड दे विच एक स्थान है ये बेटा ग्रीन विच है। सो आई थिंक तुहानूं क्लीयर हो गया होगा। सो आपां लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन साढ़े कोल आ गया, किस देश नाल भारत की सब तो लंबी या वध अंतरराष्ट्रीय सरहद लगती है? इंटरनेशनल बॉर्डर हेठ लिखिया विचों किहड़े गवांढी देश नाल साडा सब तो वध लगता है? ऑप्शन ने पाकिस्तान, चीन, बंगलादेश, भूटान।
अक्सर बच्चे उरे गलती करते हैं बेटा, चीन नूं क्लिक करे आउंदे ने, चीन ते टिक करते हैं, पर नहीं, साडा जिहड़ा सब तो वध बॉर्डर लगता है वह लगता है पुत्र जी बंगलादेश नाल। साडा सब तो वध भारत जिहड़ा बॉर्डर टच करता है बंगलादेश नाल करता है। देखो आ पिक्चर भी थोड़े कोले शो होगी, आ देखो इस तों लैके आ बंगलादेश नाल साडा बॉर्डर टच कर रहा है, इधरों टच करते 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 नीचों दी त्रिपुरा, फिर मिजोरम, आम उरों तक साडा इन्ना नीचे बंगला, इधर म्यांमार आ गया, उरों तक साडा बॉर्डर, सब तो वध बॉर्डर साडा बेटा बंगलादेश नाल टच करता है। सो नैक्सट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8, किस देश नाल भारत की सब तो छोटी, देखो उपर सब तो वध सी हुण सब तो घट अंतरराष्ट्रीय सरहद लगती है, इंटरनेशनल सरहद सब तो घट किस नाल लगती है बेटा जी, वह है साडे कोले अफगानिस्तान। अफगानिस्तान नाल साडी सब तो घट जिहड़ी है बॉर्डर लगता है। एक तो देखो आ साडे कोल सारी डिटेल्स आ गई भी कितने कितने ने। सो ये अफगानिस्तान देखो सिर्फ 106 किलोमीटर, सिर्फ 106 किलोमीटर साडा बॉर्डर है जिहड़ा अफगानिस्तान नाल टच करता है। ये एरिया भी बेटा पाकिस्तान आकूपाइड POK पाकिस्तान आकूपाइड कश्मीर के अंडर चला गया, उत्थे है ये। चलो फिर भी आप देखते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर साडा सब तो घट किहदे नाल लगता है, अफगानिस्तान नाल लगता है। सो नैक्सट क्वेश्चन साडे कोल, क्वेश्चन नंबर 9, भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई किन्नी है। भारत का समुद्री तट देखो आप देखते ना गुजरात तो लैके फिर आप नीचे कन्याकुमारी तक जाने, फिर इधर खाड़ी बंगाल तो टच करके पछमी बंगाल तक चले जाने। सो यह साडा समुद्री तट, इहदी टोटल लेंथ किन्नी है, अपना क्वेश्चन यह है। ऑप्शन ने 8,8516 किलोमीटर, फिर ऑप्शन है 7,5116 किलोमीटर, फिर आ गई 6,5116 किलोमीटर, एंड दैन 9,5116 किलोमीटर। सो इसका बेटा राइट आंसर है 7,5516 किलोमीटर। आ देखो साढ़े को ले कोस्टल लाइन दिखाई गई है भारत की जिहड़ी समुद्री तट की लंबाई है। सो नैक्सट क्वेश्चन है, भारत के किन्ने राज कौमांतरी सरहद नाल लगते हैं। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के स्टेट्स किन्नियां ने जिहड़ियां इंटरनेशनल कंट्री बॉर्डर जिन्हां नूं टच करदा है। देखो आप जे आप भारत का मैप देखिए तो उत्थों सानूं क्लीयर हो जूगा, पर इहदा राइट आंसर बेटा हुण है जिहड़ा वह 16 है। पहला ये बेटा ये 17 होंदियां सी क्योंकि साडा उपर जम्मू एंड कश्मीर हुंदा सी, पर वह हुण UT बन गया, स्टेट का उहदा खत्म हो गया। सो इस करके जे अपने कोल राज आ गया तो असीं उहनूं हुण 16 ही आंसर देवांगे। सो इहदा राइट आंसर है 16। आ देखो तुहाडे सामने भारत का मैप आ गया जिहड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर टच करते हैं, जिहदे चों आ उपर जम्मू कश्मीर साडा UT हुण करके असीं इहनूं मिस करता, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इधरों देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, UP, बिहार, सिक्किम, इधरों वैसट बंगाल आ गया, उपर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर ते नागालैंड। ये बेटा 16 जिहड़ियां स्टेट्स ने यह इंटरनेशनल बॉर्डर नूं टच कर दियां ने। सो नैक्सट क्वेश्चन बेटा जी साढ़े कोल आ गया, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के पछमी हिस्से विच किहड़ा विशाल मारूथल है। हाँ जी, एक तो संसार का सब तो विशाल मारूथल किहड़ा है, सहारा मारूथल। इहदा मतलब ED ऑप्शन साडी खत्म हो गई, साढ़े कोल ऑप्शन ने थार मारूथल, गोभी मारूथल अते चिट्टा मारूथल। सो इहदे विचों राइट आंसर है पुत्र जी बिल्कुल ठीक, थार मारूथल। आ देखो थोड़े सामने थार मारूथल की पिक्चर आ गई, साडे भारत दे राजस्थान जिहड़ा स्टेट है उहदे विच इह पाकिस्तान दे बॉर्डर नाल टच करदा है, रैड कलर दा तुसीं देख सकदे हो, यह है बेटा जी साडे कोले थार मारूथल। सो क्लीयर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत दे किस राज विच औरतां दी साखरता दर सब तो वध है। बेटा इसे राज की साखरता दर भी भारत की सब तो वध है, तो औरतों की साखरता दर भी सब तो वध है, तुहानू सारयां नू पता ही है किहड़ा है जी, केरल। केरल की बेटा साखरता दर सब तो वध है। देखो भारत के बिल्कुल नीचे है ना, जिहड़ा मंग पछमी तट नाल टच करता, सॉरी दक्षणी टच नू कॉर्नर नू टच करता है केरल, तुहाडे सामने है। सो इतों की साखरता दर सब तो ज़्यादा है, लेडीज़ भी इतों दियाँ सब तो वध पढ़ियां लिखियां हुई हैं। सो आओ आप हूँ अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के उत्ते, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े पक्के पेपर के एग्जाम के भी आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, हेठ लिखियां विचों भारत का जवान पर्बत किहड़ा है, नवीन पर्बत जो आप हिंदी बोलते हैं नवीन पर्बत किहड़ा है। ऑप्शन ने अरावली पर्बत, विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय। सो पुत्र जी तुहाडा जवाब बिल्कुल सही है, ये हैगा हिमालय पर्बत। हिमालय पर्बत बेटा नवीन पर्बत है, ये बाकी सारे पर्वत बहुत ही प्राचीन पर्वत हैं। सो हिमालय पर्वत इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सी साडे कोले, रावी, जेलम, चिनाब किस दरिया दी सहायक नदियां ने। बिल्कुल ठीक बेटा, सिंध दरिया दी ये सहायक नदियां ने। जदों आपां पंजाब च रहिंदे आ सानू पता होना चाहिए भी ये सारिया दी सारिया सिंध दरिया दी सहायक नदियां ने। आ देखो तुहाडे सामने सिंध दरिया की पिक्चर आ गई, आ साडा सिंध दरिया जिहड़ा उरों शुरू होके आ चल रहा साडा सिंध दरिया, ये सिंध दरिया दे नाल नाल जेलम,
चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सारियां इहदियां सहायक नदियां ने जिहड़ियां पाकिस्तान दे विच जाके सिंध दरिया दे विच मर्ज हो जांदियां ने, ते उस तो बाद ये दरिया अरब सागर दे विच गिरदा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी सिंध दरिया है किहड़े सागर दे विच जाके विलीन हो जाता है, जां लुप्त हो जाता है, जां मिल जाता है, वह है बेटा अरब सागर। सो अगला क्वेश्चन आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस राज विच जंगलों हेठ प्रतिशत रकबा सब तो ज़्यादा है, किहड़े राज दे विच हेठ के चार ऑप्शन दे विचों किहदे विच सब तो वध जंगल ने, पंजाब, त्रिपुरा, हरियाणा, पछमी बंगाल। हुण कई बार बच्चे की करते हैं, बस भी साडा पंजाब, असी पंजाब नूं ला दिंदे आ, पर नहीं बेटा जी, उरे गलत हो गया। भारत विच सब तो वध रकबा जिहड़ा है जंगलों हेठ है वह है त्रिपुरा का। हाँ जी, साढ़े पूर्वांचल के जोड़े ये पूर्व के स्टेट्स है वो एक है सैवन सिस्टर्स के त्रिपुरा। आ देखो थोड़े सामने त्रिपुरा की पिक्चर भी आ गई, जंगलों नाल है ना, दरख्तों नाल भरया हुआ ये है त्रिपुरा। तो जे हुण थोनू पूछया जाए भी भारत में सब तो घट रकबा जिहदे जंगल ने वो किहड़े स्टेट के ने, पता थोनू? हाँ जी पुत्र जी, वो साडा पंजाब, साढ़े पंजाब सब तो घट जंगल ने। देखो साडा ये हाल होया पंजाब का, उत्थे सब तो घट जंगल ने। सो बेटा नैक्सट क्वेश्चन है इस शीट का, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, कैलाश पर्वत लड़ी किस श्रेणी में आती है? चार ऑप्शन है साढ़े को, ब्लाक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, गुंबददार पर्वत या वलनदार पर्वत। बेटा जी जदों आप भूगोल के चैप्टर पढ़िया भारत की जोग्राफी वाला, वो असी देखा धरातल के भी हिम जे हिमालय पर्वत है यदि उत्पत्ति किमें हुई सी, संपीड़न नाल है ना, चट्टाना दे वल पैन नाल हुई सी। सो ये जिहड़ा इहदी राइट आंसर आऊगा बेटा जी, वलनदार पर्वत है, कैलाश पर्वत श्रेणी। आ तुहाडे सामने पिक्चर है, देखो ये वल पै 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 के ना, देखो किवें माउंटेन्स बनिया हुई ने। सो ये साडा इहदा राइट आंसर है वलनदार पर्वत। सो प्यारे बच्चियो, मैनू उम्मीद है भी आ देखो जिहड़े आप अज क्वेश्चन किए ने तुहानू समझ आ गए, ते उहनां दे सारयां दे रिप्लाईज़ भी मैं उहदे दित्ते ने, वैसे तो नाल उत्थे भी सीगे, तुसीं उहनों भी चैक कर सकदे हो। सो आई होप भी थोनू ये शीट चंगी तरह समझ आ गई होगी। बेटा इन्होंने क्वेश्चन नू ध्यान नाल रिवाइज़ करो, कुछ रिमैंबरिंग वाले क्वेश्चन ने वो करो, कुछ अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन ने वो भी करो। सो आई थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।